हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। गोहाना में पिछले कई महीनों से बंदरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बंदर आए दिन लोगों पर हमला बोल देते हैं, जिससे लोग खासे परेशान हैं, डर का माहौल है। लोग कई बार इसकी शिकायत नगर परिषद के अधिकारियों को दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके परिषद के अधिकारी मूक दर्शक बने हैं। बंदरों के कारण हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बंदरों के कारण हमने ये बंदर जाल भी बना लिया है। उन्होंने काफ़ी नुकसान किया बंदरों ने हमारा। घर के अंदर आके हम कोई अगर पौधा प्लांटेशन, जैसे हम बोलते हैं कि ग्रीन इंडिया, अगर हम कोई पौधा उगाना चाहे तो पौधा तक नहीं उगा सकते हैं, बंदर उसको तभी तोड़ कर चले जाते हैं। इसलिए हमने बंदर जाल बनाया, लेकिन बंदर जाल का दरवाज़ा अगर एक सेकंड के लिए भी खुला रह जाता है तो बंदर अंदर घुस जाते हैं और सब तोड़ फोड़ सारी चीज़ें तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। नगर परिषद सीमा क्षेत्र में बंदर बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि बाहर के जो बंदर है वो लगभग यहाँ छोड़ जाते हैं। तो पहले वे नगर परिषद द्वारा बंदर को पकड़ा गया था, बंदरों को, तो वो हमारी मंजूरी खत्म हो चुकी थी। तो मैंने ना वन्य प्राणी विभाग को, तो 1000 बंदर पकड़ने के लिए अभी मैंने मंजूरी मांगी हुई है, और मंजूरी आते ही हम टेंडर के माध्यम से शहर को बंदर मुक्त कर देंगे।